दोस्तों, हनुमान जी के देश भर में कई चमत्कारी मंदिर हैं। उन्हीं चमत्कारी मंदिर में से एक है जहां का चमत्कार जानकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर दंदरोवा धाम है। यहां मंदिर में हनुमान जी डॉक्टर के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के हनुमान स्वयं अपने एक भक्त का इलाज करने डॉक्टर बनकर पहुंचे थे। मान्यता है कि एक साधु शिव कुमार दास को कैंसर था, उसे हनुमान जी ने मंदिर में डॉक्टर के वेश में दर्शन दिए थे। वे गर्दन में आला डाले थे, जिसके बाद साधु पूरी तरह स्वस्थ हो गए। आज इस मंदिर के प्रवेश नहीं बल्कि देश भर में लोग अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करवाने आते हैं और कई लोगों को बीमारी से छुटकारा भी मिला है। अति प्राचीन मंदिर होने तथा सिद्ध स्थल होने के कारण लोगों की आस्था का यह प्रमुख केंद्र है। यहाँ दर्शन के लिए आए किसी भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता, उसकी मुराद भगवान हनुमान जी जरूर पूरी करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि डॉक्टर हनुमान के पास सभी प्रकार के रोगों का कारगर इलाज है। वैसे तो यहाँ श्री राम दरबार भी है और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी है, लेकिन इस मंदिर की विशिष्ट ख्याति हनुमान जी के कारण है। इस मंदिर पर अनुष्ठान संपन्न करने हेतु दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। साल में एक बार यहाँ विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। नृत्य की मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, 300 साल पहले हनुमान जी की मूर्ति नीम के पेड़ से छुपी थी। पेड़ को काटने पर गोपी वेशधारी हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई थी। यह हनुमान जी की मूर्ति नृत्य मुद्रा में स्थापित है। यह देश की अकेली ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। श्रद्धालुओं का दर्द दूर करने वाले हनुमान जी को पहले दंदरोवा कहा जाने लगा। माना जाता है कि रोगों के लिए हनुमान जी की भभूत कारगर है। विशेष रूप से फोड़ा, अल्सर और कैंसर जैसी बीमारियां भी मंदिर के पांच परिक्रमा करने पर ठीक हो जाती है। यहाँ डॉक्टर हनुमान जी के पास अच्छी अच्छी सेहत की उम्मीद लेकर श्रद्धालु आते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।